जीवन को चलाता है पिछाड़ा, सीख लो बेटा, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इतना मेहनत के बाद में सीखा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। द मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, वो आदमी वही है दिन रात क्या सोचता है। इस करेक्टर बींग द कंप्लीट शो ऑफ हिज थॉट्स, उसका चरित्र का निर्माण उसके विचारों से होता है। जैसा सोच वैसी वाणी, वैसा व्यवहार, वैसा आचार। तो अभी थॉट पर थोड़ा ध्यान दो, थॉट इन द माइंड। अगर हमारा थॉट, जैसे आप कैंसर हो गया प्रिंस चार्ल्स को, अब वो क्या करोगे, कैंसर तो किसी को हो सकता है, लेकिन अगर आपके विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, तो आपको दुख नहीं आएगा। दुख क्यों आता है? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह नफरत नाराजगी, ये करोगे तो जानबूझ के बर्बाद हो रहे हो। अरे ये सब करोगे दूसरे का नुकसान होगा, छोड़ेगा क्या आपको? अब दूसरे का नुकसान करके कैसे जी सकते भाई, जी सकते क्या बेटा? तो आप ऐसा, हम तो कभी सोचते नहीं, जैसे आप लोग से माफी मांगी है भाई, गलती को माफ कर, क्योंकि मैं टकराव नहीं चाहता, मैं बवाल नहीं चाहता, मैं प्यार चाहता हूँ। और इसीलिए हमें डिजर्व करना चाहिए, प्यार की बात करूंगा तभी प्यार आएगा ना भाई। अगर मैं इनको भड़का दिया, उनको भड़का दिया, जानबूझ के हम आग लगा रहे अपनी जिंदगी, सबको सोचना चाहिए। बोले ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और दूसरी कल कर आपके सुनते हैं। हमारे मन मचल कर्म से कोई भी ऐसा काम नहीं हो कि दूसरे का नुकसान हो, ऐसा लोग नहीं सोचते ना। इसीलिए लास्ट लेक्चर में आपको दिया था कि अभी कहीं कहीं देखोगे कि कोई धनुष लेकर लड़ रहे हैं, कोई बॉम्ब लेकर लड़ रहे हैं, कोई बोक लेकर लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, कौन बच रहे हैं? इसकी जरूरत क्या? हिटलर ने कहा है पूरी दुनिया को गुलाम बना लो, मारा गया ना, अब गुलाम बना लोगे, सब गुलाम बनेंगे क्या? वो भी मारेंगे तुमको, लड़ो मारो, जानवर का खेल है क्या बेटा? जानवर का खेल है, मारो मारो है, सब समाज में है, सबको मिलकर चलना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए, और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, शरीर का कम इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग में सच्ची ताकत है, बीमारी में ताकत है और कहीं ताकत नहीं। हम लोग बिल्कुल जानवर की तरह, लेकिन मनुष्य को सोचने की शक्ति, इसीलिए हम लोग चिंतनशील प्राणी। और चिंतन क्या होना चाहिए? यही प्रेम। आप बोले मेरा नाम क्या है? हमारा नाम याद आता है, इसको मेरा नाम याद है, ये लड़की बेटी को मुझे बहुत कृपा है। मेरा नाम क्या है? बोल बेटी, योगी फकीर वीरेंद्र योगी। नहीं बोलो मेरा नाम क्या है? कोई भी बोलेगा मेरा नाम क्या है? तुमको अगर पता नहीं है तो तुम गूगल में लिखो, मेरा नाम आ जाएगा, लगाओ गूगल लगाओ, पंडित फकीर योगी बेंद्रे योगी, देखो मैं छप से आ रहा हूँ। सुनो सुनो, मुझे बहुत आनंद आता है आप लोगों की सेवा, इसलिए सुनिए। और इस बेटी बहुत काबिल है, बेवकूफ़ नहीं, मैंने उसमें कहीं भी लिखोगे ना, कहीं भी लिखोगे तो आ जाए। देखो देखो आगे क्या, सुविधा लिखोगे नहीं आ जाएगा, लेकिन वो पंडित फकीर योगी बेंद्रे योगी रिकॉर्डेड है। दूसरा टॉपिक कुछ और पढ़ाना, अच्छा समझदार बनाना है, यही पंडित फकीर योगी है, गूगल जानते हैं, पूरी दुनिया में मिसिंग नेम से यही नाम ही मेरा है। और उसमें हमें प्रेम की बात होती है, कभी कभी पॉलिटिक्स पर बात करवाओगे ना थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मैं सबों का हूँ भाई, मैं किसी एक का नहीं, पूरी ब्रह्मांड का एक जीव हूँ, ब्रह्मांड अपना है, आपका है, सबका ही ब्रह्मांड है, सबको मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, योग उसी को बोलते हैं, समझ रहे क्या? यस सर। तो पंडित फकीर योगी का मतलब पंडित को पता है, पंडित बिहार में कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित मातृवत पढ़ा रहे।